Hello everyone. So my name is Shubham Singhania and I am your mentor for UGC NET Paper 1, Paper 2 Commerce and Management. So आज हम बात करने वाले हैं एक important topic के बारे में, that is Research Aptitude from Paper 1. और इसमें आज हम दो topic cover करने वाले हैं. पहला topic है characteristics of research, जो कि बहुत ही relevant है और कई बार इस पे characteristics पे काफी ज़्यादा question आ जाते हैं. और second topic जो आज हम cover करने वाले हैं इस video में वो है objectives of research. तो दो इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम कवर करेंगे. आई होप कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा. अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो ऊपर दिए गए आई लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल पे जा सकते हैं, दैट इज अनुज जिंदल यूजीसी नेट. ये बिल्कुल ही नया चैनल हमने बनाया है सिर्फ और सिर्फ यूजीसी नेट के लिए, जिसपे आपको रेगुलर अपडेट्स एंड वीडियोज मिलती रहेंगी फॉर यूजीसी नेट. आगे चलते हैं. जो पहला टॉपिक हम कवर करने वाले हैं आज वो है इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ रिसर्च. फीचर्स ऑफ रिसर्च क्या होते हैं कि कुछ बेसिक असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक होती हैं रिसर्च में जो हमें हेल्प करती हैं रिसर्च को समझने में. सो उनके बारे में बात करेंगे. सो पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है रिसर्च का कि इट हैज थ्योरीज. सो काफी सारे रिसर्च थ्योरीज, हमने रिसर्च फिलोसफीज के बारे में बात करी थी. और ये थ्योरीज क्यों इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, ये रिसर्च का बेसिस बनाती हैं कि जब भी हम कोई रिसर्च करने जा रहे हैं तो अगर हमें इन बेसिक कंसेप्ट और थ्योरीज के बारे में पता होगा तो ये हमारे लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो जाएगा रिसर्च को परस्यू करने. आगे अनबायस्ड एंड ऑब्जेक्टिव. सो सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव या फिर कह सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ये होता है कि आप जो रिसर्च कर रहे हैं इट शुड बी अनबायस्ड एंड ऑब्जेक्टिव. सो इन दोनों टर्म्स का क्या मतलब है? अनबायस्ड का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि कई बार हम कोई रिसर्च प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हैं जिसके अंदर हमारा कुछ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है. फॉर एग्जाम्पल हम स्मोकिंग पे रिसर्च पेपर लिख रहे हैं और एक स्मोकिंग प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी हमें स्पॉन्सर कर रही है. तो यहाँ पे इनहेरेंटली ये माना जाएगा कि एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है जहाँ पे बायसनेस हो सकती है, क्योंकि जो स्मोकिंग प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है वो तो यही चाहेगी कि अगर स्मोकिंग पे कोई रिसर्च हो रही है तो उसका आंसर हर सेंस में नेगेटिव ना आए, कि वो हार्मफुल इम्पैक्ट कर रही है सोसाइटी को. सो इस टाइप की रिसर्च में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है. सो हमें हमेशा कोशिश करनी है कि हम जो भी रिसर्च परस्यू करें या जो भी रिसर्च प्रोजेक्ट लें उसमें कोई भी बायसनेस ना हो. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जो रिसर्च का होता है वो है डेप्थ ऑफ द रिसर्च. सो कई बार हमें ये क्वेश्चन आता है कि हम डेप्थ ऑफ द रिसर्च कैसे समझ सकते हैं या कैसे पता लगा सकते हैं. सो डेप्थ ऑफ द रिसर्च के लिए आपको ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द रिसर्च देखने पड़ते हैं. फॉर इंस्टेंस जितने ज़्यादा डिटेल्ड और डेप्थ में आपके ऑब्जेक्टिव्स होंगे उतनी ही डेप्थ में आपकी रिसर्च मानी जाएगी. अगर हमारे रिसर्च पेपर में या रिसर्च प्रोजेक्ट में सिर्फ एक जनरिक ऑब्जेक्टिव है तो उसे ज़्यादा डेप्थ फुल रिसर्च नहीं मानी जाती है. बट रैदर अगर हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में जा रहे हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बहुत डिटेल में एनालिसिस कर रहे हैं तो उसे हम बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ रिसर्च मानते हैं. नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है वो है यूजेबिलिटी. इसका मतलब ये है अगर आप इनको दो वर्ड्स में तोड़ें, यूज और एबिलिटी, इसका मतलब ये है कि जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं उसका कुछ रेलेवेंस होना चाहिए. फॉर एग्जांपल आजकल आप दिल्ली में देख रहे हैं कि ट्रैफिक एज वेल एज पॉल्यूशन दोनों ही चीज़ों में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रखी है दिल्ली सिटी में. अब अगर आप कोई ऐसा रिसर्च प्रोजेक्ट लेते हैं जिसमें आप कुछ सॉल्यूशन फाइंड कर पाएं कि हम ट्रैफिक को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या फिर हम पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये एक टाइप की यूजेबल रिसर्च होगी जिसे हम प्रॉपरली यूज़ कर पाएंगे एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करने में. सो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करनी चाहिए कि जो भी हम रिसर्च प्रोजेक्ट ले रहे हैं वो कोई सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो या फिर यूज ओरिएंटेड हो. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है जनरलाइजेशन. जनरलाइजेशन का ये मतलब है कि आपने जो रिसर्च करी है आप उसको कितना ज़्यादा जनरलाइज कर सकते हैं पॉपुलेशन पे. अब इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं. मैंने एक छोटा सा सैंपल लिया किसी चीज़ को मेजर करने के लिए. लेट अस से कि क्या अगर हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में होते हैं, उसमें डाइवर्सिटी रखते हैं, डेट इज मेल फीमेल दोनों को रखते हैं या फिर डिफरेंट डिफरेंट एजुकेशनल बैकग्राउंड से हम लोगों को लेते हैं, तो क्या उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव आता है परफॉर्मेंस के ऊपर? तो ये हमने एक एग्जांपल लिया समझने के लिए. अब अगर मैंने सैंपल लिया होगा तो मैंने सिर्फ कुछ कंपनीज लिए होंगी, लेट अस से कि मैंने कुछ 100-200 कंपनीज के ऊपर सैंपल के ऊपर ये रिसर्च कंडक्ट करी है. अब जनरलाइजेबिलिटी का ये मतलब है कि अगर इससे कुछ रिजल्ट आता है, लेट अस से कि पॉजिटिव इंपैक्ट आता है परफॉर्मेंस पे, तो क्या मैं इस पर्टिकुलर रिसर्च को जनरलाइज कर सकता हूँ इन अदर कंट्रीज, इन अदर कंपनीज एज वेल? सो ये एस्पेक्ट होता है जनरलाइजेबिलिटी का. जितना ज़्यादा आपकी रिसर्च जनरलाइजेबल होगी, जनरलाइज की जा सकेगी पॉपुलेशन पे बेस्ड ऑन सैंपल, उतनी ही ज्यादा अच्छी रिसर्च आपकी मानी जाएगी. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं स्टूडेंट्स, दैट इज वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी.
वैलिडिटी का क्या मतलब है कि आपने प्रॉपर करेक्ट प्रोसीजर फॉलो किया है और जो भी आपको सॉल्यूशन आया है वो वैलिड है, दैट इज वो करेक्ट है। और रिलायबिलिटी का क्या मतलब है कि जो भी आप रिजल्ट आ रहा है आप उसकी एक्यूरेसी पे भरोसा कर सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि जो भी रिजल्ट है वो रिलायबल है और एक्यूरेट है। सो ये दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती हैं रिसर्च की। अगर आपके रिजल्ट्स इनवैलिड हैं या फिर रिलायबल नहीं है या उनमें किसी भी तरीके की इनकंसिस्टेंसी है तो वो रिसर्च हमारे किसी काम की नहीं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक को देखते हैं, इंपेरिकल। इंपेरिकल का मतलब होता है कि जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं, जो भी आप टेस्ट कर रहे हैं, उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से जोड़ सकते हैं और जो आपके कंक्लूजन हैं वो किसी एविडेंस पे बेस्ड हैं। सो एविडेंस का कैरेक्टरिस्टिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या हम उस पर्टिकुलर थ्योरी को, क्या उस पर्टिकुलर कंसेप्ट को हम एक इंपेरिकल एविडेंस या फिर स्टैटिस्टिकल टेस्ट के थ्रू प्रूव कर सकते हैं या नहीं। जितना ज़्यादा हम उसे एम्पेरिकली प्रूव कर पाएंगे, टेस्ट करके शो कर पाएंगे, उतनी ही ज़्यादा अच्छी हमारी रिसर्च मानी जाएगी। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, क्रिटिकल। क्रिटिकल का मतलब होता है कि जो जब हमने क्रिटिकली उसे इवैल्यूएट किया है तो क्या हमने एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर फॉलो किया है। अगर हमने एक सिस्टमैटिक प्रोसीजर फॉलो किया है, कुछ भी स्टेप बीच में मिस नहीं किया है, कुछ भी मैनिपुलेशंस नहीं करी है, तो जो हमारा रिसर्च होगा वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्क्रीट निकल के आएगा, बहुत ही ज़्यादा ऑथेंटिक निकल के आएगा। सो ये सारे कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो हमें रिसर्च के अंदर फॉलो करने चाहिए। इनमें से अगर कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक को हम मिस कर देते हैं या फिर उसको प्रॉपरली फॉलो नहीं करते हैं तो हमारी रिजल्ट बायस कहलाती है या फिर मैनिपुलेटिव कहलाती है, जो कि एज अ अच्छा रिसर्चर हमें नहीं करना चाहिए और ये अनएथिकल भी माना जाता है। नेक्स्ट टॉपिक जिसके बारे में बात करने वाला हूँ इस वीडियो में वो है ऑब्जेक्टिव ऑफ रिसर्च, कि रिसर्च का एक्चुअली ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्या आप एक्चुअली परस्यू करना चाहते हैं बाय कंडक्टिंग रिसर्च। सो एक एक करके एनालाइज करते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज टू एनालाइज एनी स्पेसिफिक प्रॉब्लम। अभी हमने रिसेंटली डिस्कस किया अपने ऊपर वाले एग्जांपल में कि दिल्ली लेट अस से पॉल्यूशन से सफर कर रही है और हमारा जो रिसर्च का पर्पज है, एक पर्टिकुलर टीम ऑफ पीपल जो हैं वो उसके सॉल्यूशन को प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ऑड इवन पॉलिसी से कुछ पॉल्यूशन कम हो सकता है, क्या कोई और मेथड है जिससे पॉल्यूशन कम हो सकता है। तो एक ऑब्जेक्टिव आपका ये हो सकता है कि आप किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को कैटर करें। सेकेंड आपका ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, टू वेरीफाई फैक्ट्स। अब लेट अस से कि हमारे पास एक हाइपोथेसिस या एक थ्योरी निकल के आती है कि जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं उनके लंग कैंसर हो जाता है या फिर वो लंग कैंसर से पीड़ित हो जाते हैं। सो ये चीज़ हमें कैसे पता चली, आज हम इतनी कन्विक्शन से इस पर्टिकुलर एलिमेंट को क्यों बोल पाते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल टेस्ट एक्चुअली रिसर्चर्स ने इस चीज़ को वेरीफाई किया है कि अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा स्मोकिंग में इन्वॉल्व है तो उसकी पॉसिबिलिटी लंग कैंसर की होने की बहुत ज़्यादा रहती है। तो ये वेरीफाई हम कर सकते हैं थ्रू टेस्ट। थर्ड ऑब्जेक्टिव देखते हैं, टू टेस्ट हाइपोथेसिस। टेकिंग द सेम एग्जांपल, इस पर्टिकुलर स्मोकिंग के केस में हमें एक हाइपोथेसिस बनानी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, यहां हमारी हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस ये होनी चाहिए दैट स्मोकिंग डज नॉट कॉज कैंसर, लंग कैंसर। एंड हमारी जो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, दैट द स्मोकिंग एक्चुअली कॉजेस कैंसर। So, ये दो हाइपोथेसिस हम बना सकते हैं अपने रिसर्च हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए एंड बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स हम कह सकते हैं कि ये जो हमने हाइपोथेसिस बनाई थी उसका आउटकम क्या है। सो ये एक ऑब्जेक्टिव होता है। फोर्थ, टू फाइंड रेमेडीज टू अ प्रॉब्लम। अब कई बार आप जब किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को केटर कर रहे हैं तो आपका ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये नहीं होता कि आप उसमें उसको कंक्लूड कर दें कि अच्छा यस द प्रॉब्लम इज देयर, आपको कई बार उनका सॉल्यूशन भी निकालना पड़ता है, रेमेडी भी निकालनी पड़ती है, दैट व्हाट आर द सॉल्यूशंस टू अ पर्टिकुलर केस या फिर सिचुएशन। सो ये भी एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है रिसर्च का। नेक्स्ट देखते हैं, टू फाइंड स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस एंड वेज टू इम्प्रूव इट। अब ये स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जा रहा है कि लेट अस से कि आपको स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को मेजर करना है कि क्या स्टूडेंट की परफॉर्मेंस में कुछ इंप्रूवमेंट आया है। जैसे कि आप देखते हैं कि रेगुलर आप वर्कशॉप्स अटेंड करते रहते हैं फॉर रिसर्च एज वेल एज सेमिनार्स। सो जब आप ये वर्कशॉप एंड सेमिनार्स अटेंड करते हैं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड की जाती है रिलेटेड टू रिसर्च। अब अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स ये देखना चाहते हैं कि क्या ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के बाद स्टूडेंट की परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आया है, और अगर इंप्रूवमेंट आया है तो क्या वो मेथड था, क्या वो टेक्निक थी जिसकी वजह से स्टूडेंट्स के परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आया है। सो ये भी एक जनरल ऑब्जेक्टिव हो सकता है रिसर्च का। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टू फॉर्मुलेट न्यू थ्योरीज। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आप किसी थ्योरी की याद दिलाऊं या किसी कंसेप्ट
के बारे में आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ ग्रेविटी कह लीजिए या लॉ ऑफ मोशन कह लीजिए, ये सब जो थ्योरीज बनी हैं ये सब एम्पिरिकल एविडेंस से प्रूव करके बनी है। सो ये भी एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि आप अपने रिसर्च के बेसिस पे कोई थ्योरी फॉर्मुलेट करना चाह रहे हो। आपने फाइनेंस में भी बहुत सारी थ्योरी पढ़ी होगी, जैसे कि आर्बिट्रेज थ्योरी एक्सेट्रा, सिमिलरली अदर सब्जेक्ट्स में भी आपने बहुत सारी थ्योरीज पढ़ी होंगी। सो ये सारी की सारी थ्योरी एम्पिरिकल एविडेंस से ही प्रूव की जाती है। सो दीज वर सम ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च। आई होप कि ये जो आज हमने दो टॉपिक कवर किए इस वीडियो के अंदर, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च, ये आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं आपके नेट एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल अनुज जिंदल। अगर आप हमारे कोर्स को परचेज करना चाहते हैं तो आप ऊपर दिए हुए आई लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं, उससे आप सीधे हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं और वहाँ कोर्स परचेज कर सकते हैं। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।